सुरभि माँ, क्या तब किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया कि अंशुमन जी किस घर के खून है? बड़ी माँ ने भी नहीं। नहीं किया था हमने सवाल, क्योंकि ना तब हमारी गोद भरी थी और ना ही छुटकी की। बड़ी माँ प्लीज धीरे बोलिए, दादाजी की तबीयत खराब है, वो अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। और उस वक्त आपने कोई सवाल नहीं उठाया, इसका मतलब तो यही हुआ ना बड़ी माँ कि अंशुमन जी इस घर का खून ना होकर भी उन्होंने माँ का सुख ना ही सिर्फ सुरभि माँ को दिया बल्कि आपको भी दिया। जो हर विवाहित औरत के दिल का अरमान होता है ना बड़ी माँ? यानी एक अनजान बच्चे ने आप दोनों के मन के अंदर पहली ममता के एहसास को जन्म दिया, वो ममता जो एक माँ ताउम्र अपने बच्चों पर न्योछावर कर देती है। हम सवाल तो इसमें गलत का था, वो हमारा खून नहीं है तो नहीं है। आपने अंशुमन जी को जिसके लिए इस घर से पराया कर दिया, उस नंदन के खून में भी अंशुमन जी का ही खून शामिल है। खून ना भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस भाई ने मेरे हर एक गलत कदम पर मुझे संभाला है, जिसने मेरी हर एक जरूरत पूरी की है, उसका खून होना या ना होना ये मेरे लिए मायने नहीं रखता। हम दोनों भाइयों के सांसें एक साथ चलती हैं और एक साथ रुकती है बड़ी माँ। तुम साबित क्या करना चाहती हो लड़की? हम कुछ साबित नहीं करना चाहते बड़ी माँ, हम तो बस इस एहसास उस भावना को जताना चाहते हैं जो अंशुमन जी के लिए सबके मन में है। अंशुमन जी को अपनाने के वक्त जब किसी ने कोई विरोध नहीं किया, फिर आप क्यों हर समय अंशुमन जी को इस परिवार से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों इतने सालों बाद अचानक से आपको अपना खून और दूसरों का खून नजर आ रहा है, जबकि इस बात से इस परिवार का कोई भी सदस्य सहमत नहीं है। और आज भी देखिए, आपके इस मुद्दे पर हम में से कोई भी आपके साथ नहीं खड़ा है। अंशुमन जी के खून ने नहीं, उनके प्यार ने इस परिवार को एक धागे में बांधा है। दादाजी को हार्ट अटैक आना भी यही साबित करता है कि आज जो आपने बोला उससे दादाजी का दिल बहुत दुखा है, वो भी इस बात से सहमत नहीं है। बड़ी माँ, बड़ी माँ, हम सब आपकी बहुत इज्जत करते हैं, फिर आप ऐसी बातें करती ही क्यों हैं जिससे परिवार वालों को गहरा सदमा लग जाए, पूरे परिवार को एक धागे में पिरोने वाली डोर खिंच जाए। बढ़िया छोटकी, बहुत ही बढ़िया। तो तुमने इस लड़की के मुंह में जुबान दे ही दी है? इस घर में जो कुछ भी हुआ है उसका कारण हम ही है, है ना? यही कहना चाहती है ना ये लड़की? हमको दोष दे के कटघरे में खड़ा करना चाहती है ना ये लड़की? ठीक है, तुम हमको बताओगी कि ये परिवार हमारे लिए कहा है, हैं? हमारी 30 साल की तपस्या को चुनौती दी हो तुम लड़की, हमको तुम्हारा चुनौती स्वीकार है। देखते हैं कौन किससे ज्यादा प्यार करता है।
सोच रहा हूँ किचन में एसी लगवा लूँ, गर्मी आ गई है। ऐसा मत करिएगा अंशुमन जी, वरना नंदनी और आरती दीदी आपसे लड़ पड़ेंगे। कहेंगे पहले तो कभी किचन में एसी लगाने की बात नहीं की भैया ने, लेकिन पत्नी के प्यार ने किचन में एसी लगवा दिया। जोरू का गुलाम कहेंगे आपको और चिढ़ाएंगे। तुम्हारे लिए अटैक भी ले लूंगा, और वैसे भी तुम्हारा साथ मेरे सारे दर्द, सारी फिक्र, सारी परेशानियों को मिटा देता है। आज जब बड़ी माँ ने खून की बात उठाई तो एक पल के लिए मैं डर गया था। मुझे लगा कि कहीं परिवार के साथ तुम्हें भी ना खून। नहीं अंशुमन जी, प्लीज ऐसा मत कहिए। हम आपको खोने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकते। सात जन्मों का साथ है हमारा। दीदी जितने सौरभ बाबू अपने हैं उतनी सुमन भी तो अपनी है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो सवाल उठाने लगते हैं, तो हम बड़ों का ये फर्ज है कि उन्हें कि उनके सवालों का सटीक जवाब दें, ना कि उन्हें चुनौती दें। दीदी आपका ओहदा बहुत बड़ा है, पर आपके ओहदे के सामने सुमन का कद इतना बड़ा नहीं है कि आप उससे चुनौती दें। माँ जी, अभी आपको एक बड़ी लड़ाई लड़नी है और आपका उपवास इस लड़ाई को कमजोर कर देगा। सुमनिया तो यही चाहती है ना कि आप भूखे प्यासे मर जाएं। हमारे कहने का मतलब है चुनौती दी है ना आप उसको, तो यही चाहेगी कि आप कमजोर हो जाएं ताकि वो इसका फायदा उठा सके। जिद छोड़िए लड़की समधन जी, खाना खाइए, पी लीजिए, चलिए खाइए। माँ जी, हमारी ताकत तो आप ही हैं, वरना वो सुमन तो पता नहीं अंशुमन भैया का शय पाकर हमारा घर से नाता ही ना तोड़वा दे, इसलिए वो आपको कमजोर करना चाहती है। सौरभ बाबू, अब हमारी सेनापति युद्ध के लिए तैयार है, बस युद्ध का बिगुल फूंकना बाकी है। बस मौका बनते ही बिगुल भी फूंक देंगे मामी जी। घर में पहले ही परेशानियां कम नहीं है, ऊपर से मामी और सौरभ जीजू की मंशा ठीक नहीं लग रही, हमें और सतर्क रहना होगा। वो घंटा घर वाला चौराहा है ना, हाँ वहीं पहुंच रहे हैं, आप रुकिएगा। अरे सिग्नल को भी अभी लगना था,
अरे जल्दी चलाओ, जल्दी चलाओ। अरे रिक्शे वाले भैया जरा तेज चलाओ, नहीं तो अपने रिक्शा के आगे दूध बैल बांध लो। हम बैलगाड़ी में बैठे हैं का जो इसे चला रहे? बस बस ये आगे आगे आई, ये रो ये रो। चलते हैं, आपको मरहम पट्टी की जरूरत है, आप आइए हमारे साथ। हाय सुमन, रहो कल्याण, खुश रहो। पंडित जी, अब आपसे क्या छुपा है? अंशुमन को लेकर बाबूजी ने थोड़ा तनाव ले लिया, तो उन्हें हार्ट अटैक आ गया है। तो ये पाठ हम बाबूजी के लिए और ग्रह शांति के लिए कराना चाहते हैं, और ग्रह शांति के लिए तो रामायण पाठ बेहद जरूरी होता है। इसीलिए पंडित जी, घर में रामचरितमानस का पाठ करवा दीजिए। अति उत्तम विचार है आपका, सब कुशल होगा, सब मंगल होगा, बस भगवान पर विश्वास कीजिए। धन्यवाद तुम्हारा, लोग तो टक्कर मार के भागने की फिराक में रहते, तुम तो मदद करने की बात कर रही हो, बाकी हम तो शहर में किसी को जानते भी नहीं। कोई बात नहीं आंटी, हम है ना, आइए आप हमारे साथ आइए। अरे ये तो सुमनिया के हाथ लग गई, कहीं हमारा सारा प्लान न फेल हो जाए। फिर कहा लेके जा रही है? जब भी कोई प्लान बनाते हैं, ये बित्ता भर की लड़की बीच में आ जाती है। श्री कृष्णा गोविंद हरे मुरारी हे नाथ। माँ सरस्वती और भगवान गणेश जी की वंदना करेंगे। अंशुमन बेटा, सुमन्ना तुम्हारे और नंदन के ऑफिस जाने के बाद ही कहीं निकल गई थी, अभी तक लौटी नहीं है। आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं अभी उसे कॉल करता हूँ। अंशुमन जी को कॉल करके सब कुछ बता देते। अंशुमन जी, क्या टेलीपैथी है? हम अभी आप ही को कॉल करने जा रहे थे और आपका कॉल आ गया। अच्छा है ना, जब मन से मन के तार जुड़े हों तो दिल से दिल तक बात पहुंच ही जाती है। अच्छा तुम ये बताओ, तुम हो कहां पर? घर पे रामायण का पाठ शुरू हो गया और तुम घर पे हो ही नहीं, क्या हुआ सुमन? सब ठीक तो है? हम ठीक हैं और सहयोग अच्छा है। हम यहाँ घंटा घर के पास एक क्लिनिक है, देखिए ना, सड़क पार करते करते एक बूढ़ी माँ हमारी कार से टकरा गई,
हम अभी उन्हें लेकर यहीं आए हैं डॉक्टर को दिखाने। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, तुम वहीं रुको, मैं तुम्हारी मदद के लिए वहीं आता हूँ। जी माँ। माँ मैं सुमन को लेकर आता हूँ। हमारी और भी फट पड़ा रही है, बच्चा देखता हमारे परिवार की कौन बिगड़ा तो नहीं आने वाली। आराम से ध्यान से उतरिए। माँ जी हमारे पति अभी आते ही होंगे, आप कहाँ रहती हैं? आपका घर कहाँ है? आप हमें अपने घर का पता बता दीजिए, हम आपको वहीं छोड़ देंगे। हम इस शहर से नहीं है बेटा, हम जिससे मिलने आए थे उसे मिल पाते उससे पहले ये घटना उससे पहले ये घटना हो गई। कोई बात नहीं माँ जी, आप जिनसे मिलने आई थी उन्हें कॉल कर लीजिए, उनसे पूछिए वो कहाँ, हम आपको वहाँ छोड़ देंगे। ये खोलो जरा बेटा। सुमनिया तो बुढ़िया से चिपक ही गई, ये छोड़ के जाए तब तो हम मिले। अब क्या करें, ये तो हमको ही फोन कर रही है। वो तो फोन ही नहीं उठा रही हैं। एक बार फिर कोशिश कीजिए। बुला लेते हैं, शायद इसी बहाने सुमनिया से छुटकारा मिल जाए। अंशुमन जी फिर सुमन तुम ठीक हो? भगवान आज तो हमारे भाग्य पे पत्थर ही पड़े हैं, अंशुमन भी यहीं आ गया। अब इन दोनों से एक साथ तो हम नहीं निपट पाएंगे, यहां से निकलने में ही भलाई है। कहीं गलती से भी हमारा भेद खुल गया तो वहां तो बवाल हो जाएगा। सब ठीक है? जिनसे मिलने आए थे वो तो फोन ही नहीं उठा रही हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें हम। इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है हमारा, बिल्कुल अकेले हैं हम। इतनी मुश्किल से योजना बनाकर यहां आए थे, जिस जरूरी काम से आए थे वो भी नहीं हुआ, और ये चोट लग गई वो भी अलग से। समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ जाएंगे हम, हमारे गांव जाने की आखिरी बस भी छूट गई होगी। देखिए अगर ऐसी बात है तो आप हमारे साथ हमारे घर चलिए। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे घर में रामायण का पाठ किया, हम सभी को आशीर्वाद दिया कि हमारे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे, कि
किसी भी तरह की परेशानी, कोई भी तूफान हमारे घर की नींव को ना हिला पाए। जिस घर में भगवान का वास होता है ना, वहाँ कभी कोई दुख या विपत्ति नहीं आ सकती। नंदन, बेटा सबको प्रसाद दो। आज रात वहीं रुक जाइएगा और कल सुबह होते ही गांव चली जाइएगा। और इस बीच अगर आपकी उनसे बात हो जाए जिनसे आप मिलने आई, तो मैं खुद आपको उनके पास छोड़ दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे यहाँ आए और रामायण का पाठ किया। प्रसाद ग्रहण कीजिए। चलिए। ये तो बहुत अच्छा होगा बेटा, बहुत मेहरबानी होगी तुम्हारी। जी, आप बैग दीजिए। माता रानी, ये बार बार किस अनहोनी का संकेत है।